मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप करता हूँ जी आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड आज है जी दिन गोजो जाने का। आज मेरी अपॉइंटमेंट है गोजो में, तो पहुँच गया हूँ मैं स्टेशन पे, फर्स्ट स्टॉप पे। सॉरी, लेते हैं जी बस यहाँ से और सीधा चलते हैं गोजो के, जहाँ पे गोजो के लिए शिप मिलती है वहाँ। यहाँ से लगेगा एक घंटा, तो लेते हैं जी बस यहाँ से और एक घंटे में पहुँचते हैं। और आज हो रही है बारिश बहुत तेज, तो देखते हैं जी शिप कितने बजे मिलती कैसे है। चलो चलते हैं बस लेके, आपको मिलता हूँ मैं गोजो के स्टेशन पे। तो पहुँच गया जी गोजो टर्मिनल पे, सामने गोजो टर्मिनल है। भाई भी आए हैं साथ में, भाई ने स्पेशल टाइम निकाला मेरे लिए, तो बस जा रहे हैं जी। और यहाँ पे मेंशन है जाते हुए आपको टिकट नहीं लेनी है, आते हुए टिकट लेनी है। बस ये ओपन होने वाला है 9:45 पे है नेक्स्ट टाइम फेरी का। तो चल रहे हैं जी गोजो। और रही बात डॉक्यूमेंट की, डॉक्यूमेंट अभी एक कम है मेरा, तो हाउसिंग अथॉरिटी से मेरे को मेल नहीं आई है, तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। जाते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है आज। अपॉइंटमेंट जब मिली है तो एक डॉक्यूमेंट रह गया मेरा, तो देखते हैं अगर उसके बिना काम चलता है क्या, कहते क्या नहीं। तो नर्वस हूँ मैं तो काफ़ी, बट देखते हैं। चलो बस खुलता है, फेरी लेते हैं, फिर आपको मैं फेरी दिखाता हूँ कैसी है यहाँ की। चलो चलते हैं जी फेरी देखते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे खुलता है, फिर आपको दिखाता हूँ। जा रहे हैं जी क्रूज़ पे। पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है क्योंकि बारिश हो रही है काफ़ी, और ये क्रूज़ आ गया सामने। एंड पानी का प्रेशर देख रहे हो, जा रहे हैं जी अब अंदर। एंड बहुत बड़ा शिप है ये, गाड़ियाँ भी लेके जा सकते हो अब अपनी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो आ गए जी शिप के ऊपर, और बहुत बड़ी शिप है ये, एक तरह का क्रूज ही कह सकते हो। ओके, ये देख रहे हो पानी, नीचे सारा समुंदर है और बारिश हो रही है काफ़ी तेज, उसके कारण पानी का जो बहाव है वो देख ही सकते हो आप कितना तेज़ है। अभी 15 या 20 मिनट के अंदर अंदर चल पड़ेगी फेरी, और 30 मिनट लेगी हमें पहुँचाने के लिए। तो बारिश हो रही है काफ़ी, उसके कारण पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल चलते हैं जी गोजो। मतलब एक कॉफ़ी ले लें, ठंड बहुत लग रही है, ठंड हो जाती है यहाँ पे, काफ़ी ठंड हो रही है, तो कॉफ़ी पीते हैं। सो जी बस सामने आ गए जी गोजो, पहुँच गए हम गोजो। ये रहा सामने, तो देख रहे हो आप सामने, ये गोजो है। तो बस पहुँच ही गए हैं जी गोजो, और बारिश अभी थोड़ी रुकी है, बट आप व्यू देख रहे हो, ज़बरदस्त व्यू आ रहा है ना। तो थोड़ा व्लॉग ज़्यादा इसलिए भी नहीं बनाया, तो थोड़ा सा मैं अभी नर्वस हूँ क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है। तो आते हुए अब मेरे को काम हो गया सारा अच्छे से, तो आते हुए प्रॉपर व्यू दिखाऊंगा यहाँ का। थोड़ी देर में ही हमने आ जाना है वापस, एक डेढ़ घंटे दो घंटे लगेंगे हमें वहाँ पे आइडेंटी मार्ट में। चलते हैं जी आइडेंटी मार्ट, आपको मैं गोजो उतर के मिलता हूँ। पहुँच गए हैं जी गोजो, पार्क हो रहा है, क्रूज़ कह लो, शिप कह लो। इन्होंने रस्सी फेंक दी है नीचे, एंड सामने एक और शिप खड़ा है, ये भी वापसी जाने के लिए है माल्टा। पहुंच गए जी गोजो, क्रूज़ हो गया पार्क, एंड बस यहाँ से निकलते हैं नीचे और आपको दिखाता हूँ गोजो कैसा है। तो उतर गए जी और आ गया सामने, वेलकम टू गोजो। चलते हैं जी बाहर, अभी मेरी अपॉइंटमेंट को है अराउंड अभी एक घंटा पड़ा है, तो देखते हैं कुछ खाते पीते हैं फिर चलते हैं सीधा आइडेंटिटी माल्टा। तो पहुंच गया हूँ जी मैं आइडेंटिटी माल्टा, और सामने लाइन लगी हुई है, और आई थिंक ब्रेक टाइम हुआ है, 12 बज गए हैं, और मेरी अपॉइंटमेंट है 12 की। देखते हैं कब ब्रेक टाइम ख़त्म होता है, फिर जाते हैं अंदर। ये अभी जो सब खड़े हैं इनकी भी अपॉइंटमेंट है, किसी की 12 बजे की है, किसी की 12:45 तक की है, और किसी की 12:30 की है। आज ठंड बहुत ज़्यादा है माल्टा में, कल भी बहुत थी रात को, और आज तो कुछ ज़्यादा ही है हवा। अब देख ही सकते हो मौसम और हवा कैसे चल रही है। सो जी अभी आइडेंटिटी माल्टा का करते हैं पूरा, और फिर आपको मिलता हूँ और बताता हूँ क्या हुआ। मेरा जो डॉक्यूमेंट पेंडिंग है वो उन्होंने चला दिया, हाउसिंग अथॉरिटी का डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, पता नहीं उन्होंने करा क्या नहीं, करते क्या नहीं करते, देखते हैं। तो चलो मैं मिलता हूँ आपको अपनी फिंगर्स करवा के। सो हो गया जी अपना काम, और पेपर मिल गया ब्लू फाइनली, दिक्कत नहीं आई क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पेपर की ओरिजिनल कॉपी थी,
और जो हाउसिंग अथॉरिटी की जो मेल पेंडिंग थी तो उनको भी पता है कि पीछे से थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा इशू आ रहा है। सो उन्होंने दे दिया जी ब्लू पेपर। और एक चीज़ दिखाऊँ, देखना कितनी सुंदर है ये देखो। कैसा लगा व्यू आपको? होप करता हूँ अच्छा लगा होगा। और बस ये बारिश हो गई है तेज, और अब निकल रहे हैं जी हम गोजो से। फाइनली टेंशन दूर हो गई है मेरी, और अब मैं आपको बता दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं सारे। तो डोंट वरी, आज का दिन नहीं, कल या परसों एक ब्लॉग डाल दूंगा मैं डॉक्यूमेंट बना के। सो अब चलते हैं जी गोजो से माल्टा वापस। तो फाइनली अब ठीक हुआ है थोड़ा, नहीं तो कल से बड़ी टेंशन थी क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं मिलती यहाँ पे। मैं देखो गोजो आया हूँ माल्टा की अपॉइंटमेंट, माल्टा में जॉब करनी है, इसके दूसरे आइलैंड पे आया हूँ अपॉइंटमेंट लेने। तो आप समझ ही सकते हो कि कितना यहाँ पे अपॉइंटमेंट की दिक्कत है। तो हो गया जी काम अपना, और उन्होंने ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंटेशन है नहीं वैसे आपके, मैं बताऊँगा आपको प्रॉपर, डोंट वरी। आप मेरे को एक आधा दिन दो, मैं डॉक्यूमेंट सारे बना दूँगा। तो चलते हैं जी शिप की तरफ वापस। और ये एक पार्क में था व्यू जो मैंने अभी आपको दिखाया वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन का। होप करता हूँ आपको ये व्यू अच्छा लगा होगा। तो चलो चलते हैं जी। अब पहुँच गए जी बस स्टॉप, आ गया जी गोजो का बस स्टॉप, और यहाँ से लें अब बस, फिर चलते हैं जी सीधा शिप की तरफ। और मौसम ख़राब हो गया काफ़ी, आपको दिख ही रहा होगा, तो इसलिए हम ज़्यादा यहाँ रुक नहीं रहे और जा रहे हैं जी सीधा माल्टा वापस। तो जब मौसम अच्छा होगा, गर्मी होगी थोड़ी, तो फिर एक दिन निकाल के आऊँगा मैं, और गोजो भी घूम के जाऊँगा सारा। तो चलते हैं जी अब सीधा शिप के पास, यहाँ से लेते हैं बस, मिलता हूँ आपको मैं सीधा शिप पे पहुँच के। पहुँच गए जी सामने जी टिकट काउंटर, जैसे कि आते हुए टिकट नहीं लगी थी, जाते हुए दो टिकट लेंगे भाई की भी और अपनी भी। और बस चलते हैं जी फिर शिप पे। तो ये सामने से मिलती है जी टिकट, तो मैं टिकट लूँ फिर आपको मिलता हूँ। पहुँच गए जी शिप पे, शिप रेडी है अब चलने के लिए, और बस निकल रहे हैं जी। बारिश हो ही रही है अभी भी, और पर निकल रहे हैं जी अब माल्टा के लिए। ये है जी, ये शिप को ऑपरेट करते हैं वो, ये है यहाँ से ऑपरेट होती है शिप। ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है यहाँ का, मज़ा आया यहाँ पे आके। 20-25 मिनट का ही है रास्ता जो है, 30 मिनट मैक्सिमम है, बट मज़ा आया। समुंदर के बीचों बीच आती है ये, और ये देख रहे हो रस्सियाँ कितनी बड़ी बड़ी हैं, कितनी मोटी मोटी रस्सी, कितनी बड़ी बड़ी रस्सी। तो चल रहे हैं जी माल्टा। एक और सामने मेरे खड़ा है, सेम टू सेम हमारा भी ऐसा ही है, इतना बड़ा ये है, इतना ही बड़ा हमारा ये वाला। सो जी चल पड़ी है जी बोट, ये देखो यहाँ पे एमरजेंसी बोट भी रखी हुई है, पूरा समुंदर देख रहे हो व्यू समुंदर का। तो थोड़ा आगे जाने से डर लगता है, हवा तेज है ना, फोन ना कहीं नीचे चले जाए। इसकी टिकट भी आपको दिखाता हूँ कितनी लगी है मेरी, और ये जी इसकी टिकट की कॉपी, 4.65 यूरो पर पर्सन है आने जाने का। और बाकी आप पॉज करके देख लेना, बाकी सब कुछ लिखा हुआ है इस पर। चलता हूँ जी मैं अब नीचे, पहुँच गए हैं जी माल्टा। फिर देख रहे हो गाड़ियाँ, ये सब गोजो से आई भी हैं, एंड ये सब माल्टा जाएंगे। तो शिप के अंदर आप गाड़ियाँ भी रख के लेके जा सकते हो, वो गेट खुल रहा है सामने शिप का। तो जा रहे हैं जी बाहर, अब लेते हैं यहाँ से बस और घर चलते हैं। तो वेलकम बैक टू माई चैनल, होप करता हूँ जी आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और गिला ना कर दियो, जैसे कि यार कल आ गया था मैं, तो बारिश कल जितनी, कल से बंद नहीं हुई बिल्कुल भी, देख रहे हो सामने बारिश कितनी तेज़ हो रही है। तो कल आ तो गया था मैं, पर रास्ते में बारिश बहुत ज़्यादा थी, तो आके ब्लॉग नहीं बना पाया, हवा तेज़ थी काफ़ी। तो ब्लू पेपर लेके अब मैं जा रहा हूँ जी, लास्ट काम रह गया मेरा सोशल सिक्योरिटी वाला। हवा बहुत तेज़ है, मेरा छाता उड़ता ही जा रहा है।
सोशल सिक्योरिटी आपको बताऊंगा मैं क्या चीज़ होती है। एक बारी मैं सोशल सिक्योरिटी के ऑफिस पहुंच जाऊं फिर आपको मिलता हूं। बारिश काफ़ी तेज़ है तो मैं भग के पहुंचूं फिर आपको मिलता हूं। तो हो गया जी अपना काम और मिल गया मेरे को सिक्योरिटी नंबर जो यहां का होता है, टैक्स नंबर होता है सिक्योरिटी का। और कोई ज़्यादा रश नहीं था और क्विक है इनके काम, बहुत तेज़ काम है। मतलब जस्ट बैठे और 10 मिनट के अंदर अंदर इन्होंने मेरे को सिक्योरिटी नंबर दे दिया मेरा। बट आपके पास डॉक्यूमेंट सारे कैरी करने हैं, आपने डॉक्यूमेंट सारे आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए तो आपको किसी भी काम की फिर किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ कहने का इतना ही मतलब है। और ये मेरे लोकेशन के पास है जो सेंट्रू CBQ बिरकिरकारा। कल शाम से ही हो रही है, मतलब सुबह से ही कह लो हो रही है और बंद ही नहीं हुई बिल्कुल भी बारिश, और बिल्कुल कपड़े भी भीग गए मेरे। सो चलो कोई नहीं, काम हो गया अपने सारे, अब सीधा ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी मेरी। और होप करता हूँ आपको गोजो वाला मेरा ट्रिप अच्छा लगा होगा। तो मैं जा रहा हूँ जी घर और होप करता हूँ आपको ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं जी ऐसे एक अच्छे नए व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।